जयपुर ग्रेटर नगर निगम के डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावट ने राज्य सरकार से फॉगिंग अभियान के लिए अतिरिक्त संसाधनों की मांग की है। कर्णावट ने कहा कि शहर में मच्छर जनित बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि प्रतिदिन डेंगू के सैकड़ों मरीज सामने आ रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए फॉगिंग अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण अधिक क्षेत्रफल में चरणबद्ध तरीके से फॉगिंग करवाने में नगर निगम को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर में बहुत तेजी के साथ डेंगू के मरीज बढ़े हैं, जो हम सबके लिए चिंता का विषय है। जयपुर ग्रेटर के क्षेत्र में हमने लगातार फॉगिंग कराने का प्रयास किया है। हमारे सारे कर्मचारी और अधिकारी इस विषय को गंभीरता से लेकर उस पर काम कर रहे हैं। हमने तकरीबन सभी वार्डों में एक राउंड हमारा फॉगिंग का हमने पूरा कर लिया है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जिस तेजी से डेंगू के मरीज बढ़े हैं, अभी फॉगिंग की और रिक्वायरमेंट है। हमारे संसाधन बहुत सीमित हैं। हमने इस संदर्भ में चिकित्सा विभाग को भी पत्र लिखा और उनसे अतिरिक्त संसाधन की मांग की थी। उन्होंने अतिरिक्त संसाधन हमें उपलब्ध नहीं कराए हैं। मैं एक बार पुनः राज्य सरकार से मांग करता हूं कि वह स्वायत्त शासन विभाग को और चिकित्सा विभाग को ये निर्देश प्रदान करें कि वो हमें फॉगिंग के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराएं, जिससे हम जयपुर ग्रेटर के सभी 150 वार्डों में फॉगिंग को ठीक प्रकार से करा सकें।